आज जो हमारे गेस्ट है अभी यहां पर पीछे बैक स्टेज पर उन्होंने बहुत ही यंग एज में यानी कि 16 साल की एज में अपना बिजनेस शुरू किया था लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड बॉम वेलकम टू अर्जुन देश पांडे ऑलगोज प्लीज है थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी है और आपको मतलब देख के और मतलब बचपन से आपको देखता हूँ आया हूँ और मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत लोग बिजनेस बनाते हैं बट संदीप सर ऑन्टप्रेनर्स बनाते हैं वो इंस्पिरेशन देते हैं लोगों को मतलब इंस्पिरेशन ग्रेट है

वो मेडिकल स्टोर ओनर को क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो मेडिकल स्टोर वाला कह रहा था कि मैं आपको क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा तो वो बहुत एक शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए और उनके वाइफ को हुआ था कैंसर तो मैंने उनको कहा कि आपके पास में पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे अभी तो उन्होंने कहा तो मुझे ये मंथ का स्किप करना पड़ेगा तो इवेंचुअली उनके वाइफ के हेल्थ के ऊपर असर होगा तो एज ए यंग किड मैंने जाके जो नेट के ऊपर सर्च किया जो पंद्रह हज़ार का मेडिसिन जो था एम वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था वो केवल तीन हज़ार रुपये थे सो देर वॉज अज डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस एंड द मार्केटिंग प्राइस तो मेडिसिन हमारे लिए वो लग्जरियस प्रोडक्ट तो है नहीं वो आपके लिए और मेरे लिए एक बेसिक जरूरत है हम सभी के लिए और वो हर एक इंडियन को मिलने चाहिए तो वहां से एक सिर्फ दिमाग में सोच आई और अगर हम लोग के, तो के पास में बट एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट पिलर हो गई है कितने पूरे इंडिया में स्टोर्स है एक्टिव और हम लोग मतलब, मतलब ना कि सिर्फ अर्बन एरियाज में बट छोटे छोटे गांवों में हम लोग आज प्रेजेंस बना रहे हैं जेनरिक मेडिसिन क्या होती है और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है उसमें डिफरेंस पता पता है है आप लोगों को को कितनों को पता है? एक बार हाथ ऊपर करो 90 ऑफ द हमारे देश में जेनरिक ही है बट हमारे इंडिया में एमएनसी कंपनीज जो है वो आके उसको ब्रांड कर देते हैं मतलब टेन रुपीज का प्रोडक्ट आज मैं भी वही मैन्युफैक्चर से खरीदता हूँ बट वो लोग भी टेन रुपीस में खरीदते हैं वो हजार में बेचते हैं मैं वही चीज पचास रुपए में बेचता हूँ सो दिस इज द्यूज डिफरेंस कमिंग इन टू द मार्केट टूडे एंड इसके वजह से सीनियर सिटीजन मतलब मैं आज जहां जहां पर जाता हूँ तो सीनियर सिटीजन जब सर के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि बेटा आपके वजह से हमारा दस हज़ार का बिल दो हज़ार का आया तो एक बीस साल की उम्र में मुझे लगता है दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर वॉट वी ऑल यंगस्टर्स वर्क लर्व एक्सलेंट बहुत बढ़िया तो जब सोलह साल की एज में आपने अपने घर पे बात करी कि मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहा हूँ तो आपका क्या बिजनेस बैकग्राउंड है जॉब बैकग्राउंड है नहीं मेरे मतलब मम्मी जॉब बैकग्राउंड से आते और पापा भी मतलब उनका टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस था तो मैंने मतलब जब मैंने वेंचर की शुरुआत में सोचा था कि ये चीज़ मुझे करनी है तो अक्सर सी बात है कि हम लोग ने मतलब ऐसे यंग एज में ऐसा कुछ किया नहीं होता है कि वो लोग हमारे ऊपर इतना इजीली ट्रस्ट करें तो एक विचार अच्छा था कि मैं ग्राउंड लेवल पर रिसर्च कर रहा था कि अभी तो मैंने प्रॉब्लम देखा कि एक करोड़ लोगों को मेडिसिन जो है वो एफोर्डेबल रेट्स में चाहिए बट पहुँचाऊँगा कैसे कहाँ तक कैसे पहुँचाऊँगी एक सौ करोड़ लोगों तक पहुँचना है तो करोड़ों की फंडिंग लगेगी और मेरे पास में तो पैसे ही नहीं थे क्योंकि एक अकेला सर एक विचार था मेरे पास में तब मैंने क्या किया मैं छोटे छोटे जो मेडिकल स्टोर हमारे आसपास के एरिया में मैं उनके साथ, साथ में जाके कनेक्ट करने लगा अराउंड हंड्रेड टू हंड्रेड स्टोर के ऊपर मैंने विजिट किया बट बहुत सारे लोग उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि मतलब कुछ किया है ना मेरा पहला स्टोर जब एग्रीगेट हुआ मैं फर्स्ट स्टोर उस रात को मतलब मैंने उनके साथ में एग्रीमेंट साइन किया और उसके बाद में मैंने जाके मम्मी पापा को बोला कि मैंने पहला स्टोर का एग्रीमेंट साइन करके मैं आया और कल उसका इनोग्रेशन है तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया फिर वहां से फिर मम्मी पापा को कहना वेरी इंटरेस्टिंग तो आपने पहले सीधा जाकर अपने घर वालों को नहीं बताया नहीं बताया या फादर मदर को कुछ हिंट तो दिया होगा जब आप इन स्टोर ओनर से बात कर मैंने नहीं दिया मैं उनको कहता था कि मतलब मैं मेरा तब क्या बोलते थे मैं कहा जा रहा हूँ मैं मतलब कॉलेज जा रहा हूँ इलेवेंथ ट्वेल्थ मेरा जस्ट टेंथ हो गया था इलेवन्थ ट्वेल्थ चल रहा था मेरा तब मैं उनको वही उनको कहता था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और उसके साइड साइड में मतलब टू व्हीलर तो था तो मेडिकल टू मेडिकल विजिट करता था जैसे हमारे तो बंक मारते थे स्कूल हाँ, से हाँ, 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 तब मैं बंक मारता था था और डायरेक्टली पर जाता था। तो, <laughs> उनको आपसे बात करो आप मुझसे बात करेंगे डिग्री इज नॉट जस्ट अ मेथड टू गेन समथिंग और वी कैन प्रूफ जस्ट अ डिग्री फॉर अवर सेल्फ तो हम लोग जो नया करते हैं तो दैट इज लॉट फॉर मी तो अब मैं ये समझना चाहूंगा कि आ, आप पहले गए सौ डेढ़ सौ फार्मासिस्ट के पास में जिसको इंडिया में हम केमिस्ट बोलते हैं उनसे जाकर के मिले कि मैं आपके स्टोर को ब्रांडेड कर दूंगा मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा बट वो कहेगा कहाँ से करोगे पहले दिखाओ तो सही बराबर है बहुत बड़ी क्योंकि तब तक आपका एक भी स्टोर नहीं था एक भी स्टोर नहीं था तो कोई ट्रस्ट कैसे करेगा करेक्ट करेक्ट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर जब हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल बोलते हैं एग्रीकेशन मॉडल बोलते हैं तो आपके पास में बेस होना चाहिए कुछ तो जो कि मेरे पास में बिल्कुल नहीं जैसे संदीप सर ने कहा दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर जब हमारे पास में दिखाने का लिस्ट नहीं होता तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ईजिली नहीं करते मेरा बहुत अच्छा पॉइंट क्या था मेरा जो पहला स्टोर इनागरेट हुआ था उसके बाद मतलब जो वो दो भाई थे उनको मैंने बहुत कठिनाई से मैंने मतलब मैंने कन्विंस किया उनको कि हमारे साथ में जुड़ी मैंने उनको कहा कि अगर लॉस हुआ भाई साहब वो तो मेरा है अगर प्रॉफिट हो वो आप ही का दुकान है आप ही के दुकान में प्रॉफिट आने वाला मैं आपका दुकान तो कहीं पर

कि आप जीरो टू वन गए कैसे पहला स्टोर ओपन कैसे हुआ पहले स्टोर में मतलब मैं आपको कहूंगा कि जो मेरा फर्स्ट स्टोर था ना तब वो जो मतलब मेडिसिन प्रोक्योर थे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना प्रॉफिट मार्जिन का बहुत बड़ा रोल होता है वहां पर आज की तारीख में जो हमारा छोटा दुकानदार होता है मेरे लिए बहुत एक यूएसपी मतलब मैं हमेशा उनके साथ बात करता था तो यूएसपी क्या थी कि प्रॉफिट मार्जिन जो छोटा मेडिकल स्टोर वाला है आज की तारीख में उनको सिर्फ फाइव टू टेन प्रॉफिट मार्जिन मिलता है जब वो एम कंपनीज के ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन सेल करते हैं क्योंकि उनको वो एम आर पी पे सेल करना होता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर से उनको अगर हंड्रेड रुपीज की मेडिसिन है वो उनको नाइन्टी फाइव रुपीज नाइन्टी रुपीज में आते हैं मैंने वहां पर क्या कर दिया उनको जेनरिक मेडिसिन में फोर्टी परसेंट का प्रॉफिट मार्जिन दिया क्योंकि हम लोग के पास में मिडल मैन तो कोई है नहीं हमको डायरेक्टली मैनुफैक्चर से प्रोडक्ट लाने और उनको देना है तो वो जो मेडिसिन है वो हंड्रेड रुपीज का एमआरपी था जिसके ऊपर उनको नाइन्टी में परचेस करना था मैंने वो उनको दे दिया ट्वेंटी रुपीज में उनको फोर्टी रुपीज एड करके देने ट्वेंटी एट रुपीज में तो उनको लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट हो गया तो उसके वजह से उनका क्या हुआ इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ और कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन को मिल गया अब यहां पे एक मेरा अगला क्वेश्चन है कि मेडिसिन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए किसी तरह का क्योंकि अगर मेडिसिन इंसान खरीद रहा है तो अपने शौक के लिए नहीं खरीद रहा है बल्कि ठीक होने के लिए खरीद रहा है तो ठीक होना चाहिए वो तभी होगा जब एक अच्छी मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी से वो बन करके आएगा तो अभी तो आप सोलह साल के लड़के हो अब आप गए उन मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के पास में आपने बोला कि ऐसे ऐसे हम अपने जेनरिक आधार के नाम से वो मेडिसिन आपसे लेंगे और आगे यहाँ से हम सेल करेंगे तो अब अगर मैं वो मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी हूँ तो मैं आपको उधार तो दूंगा नहीं करेक्ट आपने कैसे मैनेज किया वहां से आपको एक दो लाख रुपए की तीन लाख रुपए की इन्वेंट्री तो चाहिए ना तो वो कहां से आई वो क्या किसने पैसा इन्वेस्ट किया अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है कि इन इंडिया हर एक कंपनी जो एमएनसी होती है ना उन्हीं का खुद का जेनरिक डिविजन होता है बट वो सभी को नहीं पता है क्योंकि वो लोग जब बैचेस लेते हैं तो उन्हीं के खुद के जेनरिक मेडिसिन होते हैं मार्केट में अवेलेबल और जब हम लोग कंपनी को अप्रोच करते हैं डायरेक्टली हमको जनरिक क्योंकि तब के समय में मैं सभी प्रोडक्ट के ऊपर जनरिक आधार का लोगों नहीं लगा सकता था क्योंकि वो मुझे लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता था तो मैंने क्या किया वो मैनुफैक्चर डायरेक्टली अप्रोच किया कि आप मुझे आपके जेनरिक मेडिसिन दे दीजिए बॉक्स के हिसाब से दे दीजिए तो मुझे उन्होंने उनके लोकल जो स्टॉक थे उनके साथ में कनेक्ट कर दिया तो वहां से तो मुझे स्ट्रिप स्ट्रिप का मतलब वो मुझे मुझे लगता है कि अराउंड टेन फिफ्टीन का तो मैंने पहले दिन मेरा इन्वेंट्री रखा था जो कि पहले दिन में ही हो गया खत्म और उसी से जो हमारा प्रॉफिट हुआ था मैंने सेकंड डे का इन्वेंट्री खरीद लिया एक एक करके चैलेंजेस को मीट करते हैं बिकॉज आर फोर ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट प्लेस प्राइस एंड प्रमोशन राइट तो एक बात करते हैं प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट में आपने क्या किया खुद अपने जेब से पैसा इन्वेस्ट नहीं किया अपने ब्रांड से नहीं निकाला क्योंकि आपके पास में पैसे थे ही नहीं, नहीं। तो आपने क्या किया उन्हीं कंपनीज के जेनरिक प्रोडक्ट्स थे जिनको वो कंपनीज प्रमोट नहीं करती थी क्यों क्योंकि उसमें उनको मार्जिन नहीं मिलता मार्जिन right? कर कर हाँ और वो कन्विंस हो भी गए तो इसका मतलब कितनी आपके अंदर एक मैं क्या कहूंगा कैसा जज्बा होगा या डिजायर होगा या कॉन्फिडेंस होगा या एक जोश होगा कि आप उनको कन्विंस कर पाए तो वो आपने कन्विंस कर दिया तो प्लेस आपको वहां पे मिल गई मतलब जगह उनकी बस ब्रांड मेरे पास कॉन्फिडेंस बहुत था मतलब मैंने उनको जो मैं कह रहा था ना मैं उनको फैक्स के साथ बात कर रहा था क्योंकि ये चीज उनको पता थी बट वो करने की हिम्मत नहीं थी उनमें मैंने उनको वो हिम्मत दी

आप समझ रहे ना इन्होंने क्या किया कहा तो तो आपको मुझे एक रुपए भी नहीं देना मेडिसिन मैं ला करके आपको ला दूंगा।, दूंगा सस्ते में मान लो सौ रुपए की आप बेच रहे हो मैं आपको ला करके बीस रुपए में दूंगा। आप उसको 28 की बेचो पर फायदा कस्टर हाँ जी आपको भी फायदा और मुझे पंद्रह रुपए में मिलती थी वो और आपको पंद्रह रुपए में मिल गई इनको पांच रुपए मिल गया पीछे से सिंपल हो गया ना बिजनेस मॉडल यहाँ पे हमने क्रैक कर लिया प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्राइस भी हमारा क्रैक हो गया प्रमोशन

तो उससे वो चीज़ हो गई फिर मैं तो बाहर जा जा के मार्केटिंग तो करता था और उससे फिर धीरे 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 और लोग आने लगे मैंने पहले मेरा जो स्टोर था तो मैंने हेल्थ कैंप्स लगाए वहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप्स तो उसके वजह से डायबिटीज होने दीजिए किडनी होने दीजिए जो चार पाँच टेस्ट थे जो हजार रुपये तक के थे मैंने वो हंड्रेड कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए तो वो हंड्रेड कस्टमर्स जिनको मैंने वो टेस्ट दिए वो मेरे साथ में मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ गए मेरे साथ तो उसमें तो मेरा एक रुपये का खर्चा नहीं हुआ आपको सिर्फ ना Points रहते मार्केट में बट ना मतलब अलग 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 रहती है। Entrepreneurship हम रहती हमको क्या है है पता आपको आपको सब dots को करना आना चाहिए अगर आपको dot आपने कर इसका dot यहां पर इसका dot यहां पर तो आप बिजनेस बना सकते हैं ये देखिए पैसा तो आज देश में हर कोई कमाता है पैसा कमाना बहुत आसान है बट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो बहुत डिफिकल्ट है प्रॉब्लम हर कोई बिजनेस यही बोलता है कि मैं एक जेनुन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ जो बर्गर बेच रहा है वो भी यही बोलता है कि मैं एक जेनुइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ राइट <laughs> right? अब वो दुनिया जानती है अब वो एक्चुअल में असलियत क्या है वो हम सबको पता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम बढ़ रही है राइट आई मस्ट से इट्स वेरी इंप्रेसिव जिस तरह से रतन टाटा जी ने आपके इसमें इन्वेस्ट किया और आपको सपोर्ट किया उसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट रेस करी तो एक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए दुनिया के स्टैंड पॉइंट से तो यू हैव अचीव मैसिव सक्सेस एट अ यंग एज बिकॉज यू आर जस्ट 20 इयर्स ओल्ड एक्चुअल में जो रियल चैलेंज है वो अब आने वाला है आपको क्यों आने वाला है उसके पीछे रीजन बता देता हूं अब आप अपने ब्रांड के नाम से मेडिसिन दे रहे हैं यानी कि जेनरिक आधार के नाम से right. वो मेडिसिन दे रहे हैं जो आप पीछे उन्हीं कंपनी से बनवा रहे हैं उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से बनवा yes. रहे हैं जहां से बड़ी बड़ी कंपनीज बनवाती है Correct. तो उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग राइट यस क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट रेस कर ली है तो जो इन्वेस्टर्स है वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे अपना मार्जिन इंक्रीज करने के लिए तो अब आप अपने आप को किस तरीके से रोकेंगे दैट इज अग क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है आपने जैसे कहा मतलब मैंने अगर इन्वेस्टमेंट अगर रेज भी किया है तो वो मैंने सस्टेन होने के लिए नहीं किया एक्सपेंड होने के लिए किया है तो मैंने जो इन्वेस्टर्स मतलब जेनरिक आधार इज फ्रॉम दी डे वन इट्स प्रॉफिटेबल स्टार्टअप इट अ प्रॉफिटेबल कंपनी हम लोग आज तक एक भी रुपया बन नहीं करते आजकल कर हम लोग जो स्टार्टअप बबल देखते हैं तो हर एक कंपनी लॉसेस में है बहुत सारी कंपनीज उसके वजह से उनको इन्वेस्टर्स का प्रेशर आता है बट जनरिक आधार हम लोग ने क्या किया बहुत माइन्यूट से इक्विटी दिया उसमें ज़्यादा इक्विटी हम लोगों ने दिया नहीं इसकी वजह से वी आर नॉट ऑन दी अदर साइड दैट वी हैव टू मतलब वो इन्वेस्टर प्रेशर के ऊपर रहना है बिकॉज मेरा वो मैंटेलिटी नहीं है कि हम दिस इज अ कॉज वी हैव टू सॉल्व ऑन ये प्रॉफिट बढ़ाने के लिए चक्कर में हमको हमारा कॉज नहीं भूल जाना है यहाँ तक की स्टोरी बहुत अच्छी है और अभी क्या हो रहा है अब आपको धीरे धीरे एक्नोलेजमेंट भी मिल रहा है अब आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और भी प्लेटफॉर्म्स पे आप जा रहे हैं और भी लोगों से मिल रहे हैं धीर धीरे धीरे सोशल मीडिया पे भी आपके बारे में बात हो रही है तो अब क्या होगा कि जब सक्सेस मिलती है और सक्सेस के साथ में फेम मिलता है तो धीरे धीरे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो बैकसीट ले लेती है ऐसा नाइन्टी लोगों के साथ मैंने होते हुए देखा है तो मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होगा आप खुद हो क्योंकि आपका जो माइंड है उसके अंदर डिजायर्स, ग्रीड एनवी जेलसी एंगर फ्रस्ट्रेशन सबके अंदर होता है मेरे अंदर भी आपके अंदर भी हम सबके अंदर है तो जब वो हावी होता है तो इंसान का दिमाग पलटने में एक सेकंड लगता है बराबर है तो वो आज नहीं तो कल पलटेगा तो आप कैसे रुक पाओगे अपनी वैल्यूज पे क्योंकि अगर आप अपने ब्रांड से बेच रहे हो तो किसी को नहीं पता कि आपका मार्जिन क्या है और अपने मार्जिन को बढ़ाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है तो अब क्या होगा कि फ्यूचर में आप खुद धीरे धीरे आप देखोगे कि आप खुद एक फार्मा कंपनी बनते चले जाओगे एक थॉट से एक आइडिया से एक शुरुआत हुई थी तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वॉट वी नीड इज वी नीड अ वेरी स्ट्रांग कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड इफ यू नॉट रेडी टू गिव दैट कैन ऑफ अ कमिटमेंट दैट्स एब्सोल्यूटली फाइन दैट्स योर कॉल बट आई एम पुटिंग यू इन अ हार्ड स्पॉट कि अगर इस प्लेटफॉर्म पर आप एक कमिटमेंट दे सको तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी और लोगों की यानी कि कि एक मेडिसिन का प्राइस होता है एक्स, जितने में वो में वो मार्केट बिक रही है उसको हम बोल सकते हैं एवरेज प्राइस क्या ये आप कमिटमेंट दे सकते हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को कि हम एवरेज प्राइस ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन है उससे इतना परसेंट तो ऑफ होगा ही होगा कमिटमेंट अभी भी मैं देता हूं और ऑलरेडी मैंने दे चुकी है 50 परसेंट टू 80 50 परसेंट के नीचे 49 परसेंट भी नहीं 50 परसेंट के नीचे ही हम लोग डिस्काउंट तो फिक्स देने ही वाले हैं 50 टू 80 और मैं आपको कहता हूं 70 परसेंट मेडिसिन ऐसे जिसमें हम लोग एटी डिस्काउंट देते ही देते हैं तो आपने जैसे कहा कमिटमेंट तो वो तो डेफिनेटली फिफ्टी परसेंट तो हम लोग देंगे ही देंगे मतलब सौ रुपये का चीज़ है मार्केट में वो हम लोग पचास रुपये में देंगे मतलब देंगे और वो अगर हम लोग हैं तो बीस रुपये तक देंगे हम लोग

कि आपके ऊपर एक जिंदगी भर के लिए प्रेशर क्रिएट हो जाए कि अब मैं फिफ्टी परसेंट एक तरह से लक्ष्मण रेखा हो गई इसको हम लांग नहीं सकते नहीं तो जनता छोड़ेगी नहीं नहीं, 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 नहीं? हाँ। तो ये जरूरी है क्योंकि क्या होता है नहीं तो ये जो ग्रीड है ना ये एक बार शुरू हो जाए ना खेल एक बार तो वो कैसे स्नोबॉल इफेक्ट बनता है कोई सपने में भी नहीं सोच सकता आप लोग अगर अपने माइंड में कभी झांक करके देखेंगे ना आई एम नॉट श्योर आप में से कितने रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते हैं बट अगर कभी आप झांक करके देखेंगे अपने माइंड में ऐसी ऐसी चीजें आपको दिख जाएंगी ऐसा ऐसा कुछ दिख जाएगा कि ये कह लो जो पूरी पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसका जो माइंड का स्ट्रक्चर है माइंड की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको सब यहां पे नजर आ जाएगी ग्रीड एनवी जेलसी एंगर फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन एंजाइटी सब कुछ नजर आएगा तो है सबके अंदर लेकिन क्या रोकता है हमको वो गलत काम करने से वो है जब हम पब्लिक में आकर के कुछ बोल देते हैं वो हमको रोक सकता है कुछ ऐसा बोल देना होगा कुछ ऐसा कर देना होगा कि आप उससे पीछे ना हट सको वही आज यहां पर हुआ है जो इन्होंने बोल दिया है कि 50 परसेंट टू 80 परसेंट तो रहेगा ही मतलब मिनिमम एक बेचमार्ग आ गया 50 परसेंट तो रहेगा ही तो क्योंकि जिस दिन जेनरिक आधार के मान लो दस हजार बीस हजार पचास हजार स्टोर खुल गए पूरे इंडिया में गली गली में दिख रहा है और प्लस इनको खुद का एक इतना बड़ा ब्रांड बन गया तो ये खुद एक फार्मा कंपनी से कम नहीं है एज फार एज टर्न इज कंसर्न इनकी टर्न भी दस करोड़ बीस करोड़ पहुंचने में टाइम थोड़ी ना लगेगा तब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक मोनोपली काइंड ऑफ अ सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जहां पर के लोग ट्रस्ट करेंगे के ऊपर। अब अगर उस वक्त इन्होंने अपने मार्जिन बढ़ाने शुरू <laughs> <फिर ये पोड़कास laughs> और, और एक चीज मतलब मैं ये चीज आपसे बहुत सीखने ले जैसे मैं मतलब संदीप सर मैं सभी को पता है तो मतलब वो YouTube इतना अच्छा बड़ा चैनल तो भी मॉनिटर कुछ नहीं करते वो चीज़ को मतलब सब है उनके पास में आज की तारीख में बट वो चीज़ को उन्होंने मतलब ये हमको उनसे सीखना चाहिए मतलब हमारे पास में जब सब होता है फेम होता है सब कुछ होता है बट वो हम लोग अगर वो चीज़ बिजनेस नहीं कर रहे हैं उसका मतलब उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती इनके जैसे तो हाइकॉफ्ट अरे मतलब आप अगर ये चीज़ अगर मुझे कहेंगे ना तो डेफिनेटली मन से मुझे आनंद हुआ ये चीज़ का क्योंकि वो आपने चीज़ करके हो चुकी है आपकी आपने वो सब अपने हाँ। मतलब वो सब कुछ नहीं है चीज़ें आप में <laughs> तो अगर आप वो मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं <laughs> हाई बोलूंगा वो चीज के लिए मुझे यही देख करके खुशी हो रही है क्योंकि जब आप यहाँ पर आए थे आपने बताया कि आपने चौदह साल की एज से मेरी वीडियो देखी करी तो आई एम श्योर आपने ये सब देख रखा होगा आपको मेरे बारे में सब कुछ पता होगा तो आई वॉन्टेड कि जब आप इतने मैसिव लेवल पे कुछ करने वाले हो दैट टू इन द सोशल एंट्रप्रीनोरशिप कैटेगरी एक होता है नॉर्मल ऑन्ट्रप्रिप एक होता है सोशल ऑन्टरप्रनरशिप सोशल ऑन्टरप्रनरशिप का मतलब ये नहीं होता चैरिटी मतलब होता है कि ये अपना पैसा भी कमाएंगे लेकिन उस ग्रीड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे वो जो जो कॉज है यानी सोसाइटी का भला है वो हमेशा फ्रंट में रहेगा और जो प्रॉफिट है वो सेकेंडरी रहेगा दैट इज द दईडिया क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑपरेट कैसे करेंगे सस्टेन कैसे करेंगे जैसे मैं ये जो काम कर रहा हूं मैंने अपने लिए बड़े अच्छे से प्लान करके जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और होपफुली अगले पचास साल तक भी नहीं आने वाली है मैंने इस तरीके से प्लानिंग कर रखी है तो मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कभी भी करेक्ट इस काम के लिए द प्रॉब्लम विद आई एम डूइंग द मोमेंट आई आस्क ऑडियंस हो चाहे वो कोई इंसान हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो उससे मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे पैसा दे दो ये काम करने के लिए बड़ा, बड़ा। तो उनकी शर्तें आ जाएंगी शर्तें आ जाएंगी वो कहेंगे कि ठीक है हम देते हैं आपको दस करोड़ रुपए बीस करोड़ रुपए बट अब आपको ये करना पड़ेगा अब इलायची बेचनी पड़ेगी इलायची <laughs> मैं खाता ही नहीं इलायची <laughs> क्यों इलायची थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यू